हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। सो हम फिजियो में न्यू सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रीनल फिजियोलॉजी। सो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे दैट इज़ मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। सो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। सो मैच्योरेशन ये रिफ्लेक्स क्या है? सो इट इज़ अ रिफ्लेक्स बाई विच मैच्योरेशन अकर्स। ये वो रिफ्लेक्स है जिसके थ्रू मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन मीन्स यूरिन इज आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज दैट प्रोसेस इज नोन एज मैच्योरेशन। सो नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्स इज एलिसिटेड बाय स्टिम्युलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये प्रोसेस स्टिम्युलेट होती है बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की वॉल पर। क्या स्ट्रेच रिसेप्टर्स? उसके थ्रू ये रिफ्लेक्स स्टिम्युलेट होता है। टोटल 300 to 400 ml ऑफ यूरिन होता है जो कलेक्ट होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इंक्रीज होता है जैसे ब्लैडर फुल होता है। वो फिर आगे जाके जनरेट करता है सेंसरी इम्पल्स को। सो आइए चलिए हम पाथवे पढ़ते हैं, इसका मैंने शॉर्ट ईजी बना दिया। सो चलिए पहले यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट होंगे, फिर एफरेंट इम्पल्स वाया पेल्विक नर्व, देन वो फिर जाके फर्दर दे विल सेकल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, देन वो आगे एफरेंट इम्पल्स को स्टिम्युलेट करेंगे वाया पेल्विक नर्व। दोनों में पेल्विक नर्व है, एफरेंट एंड एफरेंट इम्पल्स दोनों में। देन एफरेंट आया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा डेट्रोसर मसल का और रिलैक्सेशन होगा इंटरनल स्पिंटर का, उसके वजह से फ्लो ऑफ यूरिन इनटू यूरेथ्रा। मतलब डेट्रोसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इंटरनल स्पिंटर का रिलैक्सेशन हुआ, उसके वजह से यूरिन फ्लो करेगा फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा, और उसके वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट होंगे। फिर वो आगे जाके एफरेंट इम्पल्स को थ्रू पेल्विक नर्व एंड फिर वो आगे जाके इनहिबिट करेंगे प्यूडेंडल नर्व को, उसकी वजह से रिलैक्सेशन होगा एक्सटर्नल स्फिंक्टर का, एंड देन फाइनली यूरिन इज आउट ऑफ द बॉडी। दिस इज द होल पाथवे ऑफ मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। सो हायर सेंटर्स फॉर मैच्योरेशन, हायर सेंटर्स दो हैं, इनहिबिटरी एंड फैसिलेटरी। इनहिबिटरी सेंटर फॉर मैच्योरेशन है मिडब्रेन एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और फैसिलेटरी सेंटर है पॉन्स। ओके, सो थैंक यू गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।